हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जिया स्टाइल में। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर साहब हैं, वो पूछते हैं कि जो है सर, हम नीचे से रहते हैं, अगला आदमी आता है और ऐसे करके चक्कर दे के क्रॉस लेके भाग जाता है, ठीक है, तो क्या करें? तो अगर कोई आदमी ऐसे करके क्रॉस आपको लेके भाग रहा है, आपकी 100 मीटर के अंदर अंदर है, अगर कोई ऐसे करके ले के भाग रहा तो आप ऐसे चक्कर दे के नीचे की तरफ जो है ऐसे करके इस तरह से ज़ोरों का खींचे जब आपके करीब आ जाए, ठीक है, यानी ऐसे डुबो ना दे एकदम से। अगर आपके उसकी डूब गई है तो फिर आपका खतरा हो गया है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से ऐसे चले, जब आप देखिए करीब आ गया तो उसको अंदर कहीं अपना पतंग को खींच दीजिए, ठीक है। और एक साहब जो है हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो कहते हैं कि सर, अगर हम जो है नीचे से गए और कोई आदमी अगर ऐसे कोने वाला गद्दा मार रहा है तो हम ऐसे सीधा क्यों ना खींच दें, ठीक है, तो खींच सकते हैं, टाइमिंग सही होना चाहिए, आप सीधा भी खींच सकते हैं। अगर कोई इस तरह से खींच रहा है तो आपके अंदर जो है पावर और बहुत पावर से खींचना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आप बाहर खींच सकते हैं उसी के मुट्ठे के जैसा, तो उसी तरीके से आप सीधा भी खींच सकते हैं और उसके अलावा काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आज हम आपको बता दें कि चौबारा मंझा जो होता है, चौबारा मंझे में पतला और मोटा दोनों होता है, तो जो पतला मंझा होता है तो आप वो नॉर्मली जो पेच आप लड़ाते हैं कि नीचे से गए पकड़ के ऐसे करके खींच लिया, या नीचे से पट मार दिया, नीचे से अंदर दिखा दिया, नीचे से बाहर भाग गए, नीचे सीधा खींच दिया, नीचे से अंदर ऊपर दिखा दिया, नीचे से बाहर का ऊपर खींच लिया, नीचे की तरफ ऐसे मुड्ढा करके खींच लिया, वो बारीक वाले मंजे से इसी प्रकार से सेम ऊपर से कोना मारना, इस तरह से गद्दा मारना, फिर सीधा मारना, फिर अंदर का मार देना, ठीक है, फिर ऊपर से ऐसे रुख दे देना कोई ऐसे खींच रहा है तो। और कभी कभी होता है कि बल दे के बाहर की तरफ ऐसे करके कोई खींच रहा है तो ऐसे करके पेड़ा मार देना, ठीक है। कभी कभी होता है कि ऐसे जाके और कोई आदमी अगर ऐसे खींच रहा है तो फिर इस तरह से मुड्ढा सीधा करके खींच देना, तो बहुत सारी पेच आप जो है वो बारीक वाले से कर सकते हैं। और जो मोटा मंझा चौबारा होता है उससे आप ऐसे फंसा के और झटका मार मार के, यानी झटका इसमें ज़्यादा काम करता है। जो हमारे सीनियर बहुत सारे हैं वो लोग इसी तरीके से लड़ाते हैं कि जैसे इधर से ऐसे मार के गए, मारने के बाद यहाँ झटका चालू कर दिया, ऊपर किया तो इधर से ऐसे मुड्ढा करके झटका मारना चालू कर दिया, कोई अगर इस तरह से खींच रहा है तो अंदर का ऐसे करके झटका ज़ोर ज़ोर से, कोई अगर सीधा खींच रहा है तो उसमें जो मार के ऐसे झटका मारना चालू कर दिया जल्दी जल्दी से। तो यानी मोटा जो चौबारा होता है उससे आप ज़्यादातर झटका मार के ही जो है पतंग को काट सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई आदमी अगर ये 100 मीटर की दूरी पे लड़ाता है तो आप जैसे आम पेच करते हैं आम पेच की तरह ही करिए, जैसे इस तरह से जाके क्रॉस खींच देना, ठीक है, सीधा खींच लेना, अंदर का खींच देना मुड्ढा, ऊपर का खींच देना। मान लीजिए कि कोई आदमी अगर आपके पास ये चक्कर ऐसे करके आके रख के देने वाला है चक्कर, तो आप चक्कर दे के पकड़ के बाहर की तरफ खींच लो, ठीक है। इस तरह से कोई आदमी अगर ऐसे करके मुड्ढा भाग रहा है तो आप इसको सीधा दौड़ा के खींच लो, ठीक है। उसके अलावा कोई आदमी अगर ऐसे एक मुड्ढे पे हल्के हल्के खींच रहा है तो आप इस पे भी पकड़ के खींच सकते हैं, लेकिन लगे कि वो धीमे धीमे खींच रहा है, बहुत पावर से नहीं खींच रहा है, ठीक है। ऐसे भी अगर कोई ऐसे गद्दा मार रहा है तो आप ऐसे चढ़ा के हल्का हल्का हिलाते रहिए, जब भी चला जाएगा। तो नीचे से जो है आप, कोई आदमी ऊपर से इस तरह से ऐसे गद्दा मार रहा है तो आप अंदर की तरफ ऐसे करके पावर से ऐसे करके खींच दीजिए। तो यही सब जो है पेच होती है, और वो कम पे भी होती है, दूर पे भी होती है। उम्मीद है कि हमारे भाइयों के समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपके समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो हेल्पफुल रही होगी, और हर जगह पे शेयर कीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।